आज की इस कक्षा में हम वर्ग 6 के गणित के प्रश्नावली 1.1 को हल करने की कोशिश करेंगे। यहां हम देख रहे हैं, पहला सवाल हमारा है, दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या बताइए। ए बी सी डी चार प्रश्न है। इन चारों प्रश्नों में चार चार संख्याएं दी गई हैं। सभी समूह में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है ये हमें बताना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न एक, यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या के अंकों को गिनेंगे। तो पहला हमारा जो संख्या है इसमें चार अंक है, दूसरे में भी चार अंक है, तीसरे में भी चार अंक है और चौथे में भी चार अंक है। तो अंकों की दृष्टि से ये सभी में इन सभी में अंक समान है। अब दूसरा चीज हम चेक करते हैं। तो चार अंक में सबसे बाईं ओर यानी 1000वें स्थान में क्या है चारों में, वो देखते हैं। पहले में भी पांच है, दूसरे में भी पांच है, तीसरे में भी पांच है, चौथे में भी पांच है, तो ये भी तो समान हो गया है ना। तो 1000वें स्थान को हम देखते हैं तो चारों संख्याएं समान दिख रही हैं। अब हम सैकड़े वाले का चेक करते हैं। तो पहले में तीन है, दूसरे में नौ है, तीसरे में तीन है और चौथे में भी तीन है। तो यहां स्पष्ट हमें नजर आ रहा है कि ये दूसरी संख्या जहां सैकड़े में नौ है यही सबसे बड़ी संख्या है। तो हमारा ये मिल गया दूसरा, ये 5985 सबसे बड़ी संख्या है। तो हम इसे यहां पर ऐसे लिखेंगे, प्रश्न नंबर 1 ए सबसे बड़ी संख्या। तो ये हो गई हमारी 5985। चलिए अब बी नंबर देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम संख्या इन संख्याओं के अंकों को गिनेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये इन चारों संख्याओं में अंकों की संख्या पांच पांच है, सभी में पांच है। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया के अनुसार तो ये सभी सभी समान है। अब दूसरा जो क्राइटेरिया हम चेक करते हैं वो है, ये जो सबसे बाईं ओर है यानी 10000वें स्थान पर, उस अंक का को चेक करते हैं क्या है। तो पहले वाले में भी नौ है, दूसरे वाले में भी नौ है, तीसरे में भी नौ है और चौथे में भी नौ है। तो ये क्राइटेरिया में भी ये सभी समान हो गए। अब हम 1000वें जो स्थान है उसके अंक को देखते हैं। तो पहले वाले में शून्य है, दूसरे वाले में एक है, तीसरे वाले में एक है और चौथे वाले में एक है। तो ये जो शून्य वाला है ये तो छोटी संख्या है, इसको तो हम अभी छांट दे रहे हैं, इसे हम छांट दे रहे हैं, है ना। इसे हम छांट दे रहे हैं। अब हम इन तीनों में तय करेंगे। तो हम 10000वें स्थान और 1000वें स्थान का चेक कर लिए हैं, ये तीनों में समान है। तो अब सैकड़े वाले में आते हैं। तो सैकड़े में ये यहां दो है, उसके बाद तीन है, उसके बाद तीन है। तो ये तीन तीन जहां पर है वो दोनों तो बड़ी संख्याएं हैं, तो ये दो वाला छोटा है तो इसे भी हम छांट देते हैं। चलिए अब इन दोनों में हमें तय करना है कि कौन सबसे बड़ी है। तो अब हम 10000वें स्थान, 1000वें स्थान और सैकड़े के स्थान के अंकों को हम लोग चेक कर चुके हैं। अब हम दहाई के अंक को चेक करते हैं। तो यहां है एक और यहां शून्य है। तो इसका मतलब हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये वाली होगी। ये नौ ये हो गया कितना बताइए,
91,318, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो दूसरे वाले का हम उत्तर यहां लिखेंगे बी 91,318। चलिए अब सी नंबर को देखते हैं, है ना। यहां भी सबसे पहले हम अंकों को गिनेंगे, यहां भी पांच पांच अंक हैं सभी में। उसके बाद अब हम ये 10,000वें वाले स्थान में जो अंक है उसको चेक करते हैं। तो यहां पहले में भी तीन है, दूसरे में भी तीन है, तीसरे में भी तीन है और चौथे वाले में भी तीन है, तो ये तो सब बराबर है। अब हजारवें वाले स्थान को देखते हैं, तो पहले वाले में एक है, दूसरे वाले में दो है, तीसरे वाले में दो है, चौथे वाले में दो है। तो निश्चित रूप से जहां एक है हजारवें वाले स्थान में, तो इसे हम छांट देते हैं। चलिए अब इन तीनों में हम देखते हैं, तो जहां हजारवें स्थान में हमने देखा था दो दो है, तो अब हम सैकड़े वाले स्थान का चेक करते हैं। तो यहां सैकड़े वाले स्थान में पहले में 9 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है। तो 9 तो बड़ी है 7 और 8 से, इसका मतलब यहां सबसे बड़ी संख्या हमारी ये वाली है। चलिए इसे भी हम लिख लेते हैं सी सबसे बड़ी संख्या। तो ये हो गई हमारी 32,963। चलिए अब डी नंबर देखते हैं। तो यहां भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंकों को गिनेंगे, संख्याओं के अंकों को गिनेंगे। तो हम गिन रहे हैं, तो सभी देख रहे हैं सभी में पांच पांच अंक हैं। चलिए इस क्राइटेरिया में तो सभी बराबर आ गए। अब 10,000वें यानी सबसे बाईं ओर के अंक को देखेंगे, है ना। तो 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यानी चारों में सबसे बाईं ओर 6 है ना, यानी 10,000वें स्थान में 6 है। तो अब हम किसे देखेंगे, हजार वाले अंक को देखेंगे, हजार वाले स्थान में जो अंक है। तो पहले वाले में 5 है, दूसरे में 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 5 है। तो यहां 4 तो छोटी है 5 से, तो इसे हम अभी ही छांट देते हैं, ये छोटी संख्या है, है ना। ये छोटी संख्या है। अब इन तीनों में हम तय करेंगे, तो हम 10,000वें स्थान और हजारवें स्थान को चेक कर चुके हैं, अब सैकड़े वाले स्थान को चेक करेंगे। तो पहले में यहां पर 8 है, उसके बाद यहां 7 है, उसके बाद यहां 8 है। तो 7 8 से छोटी है, तो इसे भी हम छांट देंगे, ये भी हो गया। अब इन दोनों में तय करना है। तो सैकड़े तक हमने चेक कर लिया, अब हम दहाई वाला चेक करेंगे। तो यहां 9 है पहले में, यहां भी 9 है, तो चलिए ये तो बराबर हो गया। अब हम किस में आएंगे, इकाई वाले स्थान के अंक को चेक करेंगे। तो यहां पर 4 है और यहां पर 3 है, तो 4 चूंकि बड़ी है और 3 छोटी है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या यहां हो गई ये वाली। चलिए तो डी नंबर में सबसे बड़ी संख्या हो गई हमारी 65,894। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो यहां हमें क्या करना है, दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या बताना है, सबसे छोटी संख्या। तो अभी जैसे किए थे बस वही तरीका अपनाएंगे और हम सबसे छोटी संख्या को इसमें से चुनेंगे। तो पहले हमने अभी क्या किया था, प्रश्न नंबर 1 में
अंकों को गिना था, संख्याओं के अंकों को गिना था। तो फिर से हम वही करेंगे, तो देख रहे हैं इन सभी में चारों में चार चार अंक है, तो इस क्राइटेरिया में सभी बराबर हैं। अब हम सबसे बाई ओर वाले अंक को देखेंगे, तो सबसे बाई वाले अंक हमारा हजारवां स्थान का अंक है, तो इसे चेक करते हैं। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि सात है, दूसरे में भी सात है, तीसरे में भी सात है, चौथे में भी सात है, तो इस क्राइटेरिया में भी बराबर है। तो अब हम सैकड़े वाले स्थान को देखेंगे, तो यहां एक है, यहां शून्य है, यहां एक है, यहां शून्य है, तो शून्य छोटी है, एक बड़ी है, तो हमें तो छोटी संख्या चाहिए, तो ये बड़ी वाली जो संख्याएं हैं इसे हम छांट देते हैं यहां पर, ये और ये। तो अब ये दो जो छोटी संख्या है इसमें से देखेंगे इन दोनों में सबसे छोटी कौन है। तो हमने हजारवें स्थान और सैकड़े वाले स्थान को चेक कर लिया है, अब दहाई वाले स्थान को देखेंगे, तो यहां चार है और यहां दो है, तो निश्चित रूप से दो चार से छोटी है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी हो गई ये वाली। तो यहां सबसे छोटी संख्या ये हो गई 7020, ये छोटी है, ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, ये थोड़ा सा छोटी। चलिए अब बी नंबर देखते हैं, तो फिर वही करेंगे, हम क्या करेंगे, हम अंकों को गिनेंगे। तो हमने अंकों को गिना, सभी में चार चार हैं। चलिए अब हम सबसे बाएं वाले अंक को देखते हैं, तो सबसे बाएं में सभी में एक है, तो अब हम उसके दाहिनी ओर, बाएं के दाहिनी यानी सैकड़े वाले स्थान को देखेंगे, तो पहले में आठ है, दूसरे में छह है, तीसरे में नौ है और चौथे में सात है। यहां तो तुरंत पता चल गया ये आठ छ नौ और सात में सबसे छोटी कौन सी है, छ है, यानी हमारी सबसे छोटी संख्या ये वाली हो गई, है ना। तो ये बी में हो गई हमारी सबसे छोटी संख्या ये हो गई 1622। चलिए अब सी नंबर देखते हैं, तो यहां भी अंकों को हम देखते हैं, अंकों की संख्याओं को, कितने अंक हैं सभी में, तो सभी में चार चार हैं, चलिए इस क्राइटेरिया में बराबर हैं। अब सबसे बाई ओर के अंक को देखते हैं, यानी हजारवें स्थान के अंक को देखते हैं, तो क्या हम देख रहे हैं कि सभी में चार है ना, तो ये इस क्राइटेरिया में भी ये सभी बराबर है। अब किस क्या चेक करेंगे हम, सैकड़े वाले स्थान, तो सैकड़े वाले में चार है, यहां तीन है और यहां पांच है, तो इनमें चार तीन और पांच में सबसे छोटी कौन सी हो गई, अंक तीन हो गई, अर्थात ये वाली संख्या हमारी सबसे छोटी है, तो ये सी सबसे छोटी संख्या ये हो गई हमारी 4325। अब डी नंबर देखते हैं, तो अंकों को गिनते हैं, तो यहां सभी में पांच पांच अंक हैं। अब हम सबसे बाई ओर वाले अंक को देखते हैं, तो यहां भी आठ है, यहां भी आठ, यहां भी आठ, यहां भी आठ, ये भी बराबर हो गया। अब हम ये हजारवें वाले स्थान के अंक को देखते हैं, तो यहां आठ, यहां भी आठ, यहां नौ, यहां आठ, तो नौ तो आठ से बड़ी है, तो इस संख्या को हम छांट देते हैं, चलिए ये बड़ी संख्या है। अब इन तीनों में
हजारवें स्थान में बराबर है हजारवें, तो अब हम सैकड़े वाले स्थान को देखते हैं। तो यहां सात है पहले में, दूसरे में शून्य है और तीसरे में नौ है। तो निश्चित रूप से शून्य सात और नौ से छोटी है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी ये वाली हो गई। तो यहां डी में हमारी सबसे सबसे छोटी संख्या ये हो गई 88,029। आशा है कि इसे आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या चुनने के तरीकों को सीख गए होंगे। एक बार फिर से मैं इसे समझा दे रहा हूं। जब भी हमारी हमें कई संख्याएं मिलें जिसमें हमें पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि उन संख्याओं के अंकों को गिनेंगे। अगर जिस संख्या में सबसे ज्यादा अंक होंगे वही सबसे बड़ी होगी, और सबसे कम अंक होंगे तो वो सबसे छोटी संख्या होगी। अब अगर सभी में अंकों की संख्याएं बराबर हैं, तब हम क्या करते हैं, सबसे बाईं ओर के अंक को चेक करते हैं। अगर वो भी बराबर है तो फिर उसके सबसे बाईं के दाहिनी ओर है ना, उसे चेक करते हैं, उसके अंक को, तो वहां देखते हैं कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। इसी तरह से हम दाहिनी ओर बढ़ते जाते हैं, ठीक है, और हम सबसे बड़ी और छोटी संख्या पता कर लेते हैं। धन्यवाद।